वाइफ लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ। तो गाइस आज फिर से मेरा सपना टूट गया, मतलब तो हे गाइस गुड मॉर्निंग और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। और मुझे खुशी हो रही है, तीनों रीजंस बताती हूँ। मतलब सबसे पहला बता दिया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको, दूसरा रीजन एलिविश जीत गया। ओ यार ठीक है भाई, कोई बोलेगा क्या हो बिग बॉस देखते हो या कुछ, मतलब मैंने ना सिद्धार्थ शुक्ला वाला शो था उसके बाद तो मैंने देखा नहीं, तो उसके बाद मैंने इस बार देखा था और भाई खुशी हुई हुई। जिसको जो पसंद है ठीक है भाई, अपनी अपनी पसंद है, मुझे खुशी हुई। और ठीक है फुकरा भी सही था, अच्छा लगता था, पर ठीक है। और तीसरी वाइफ लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ। मतलब मैंने पहले कॉलेज में गई थी तो उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया क्योंकि तब मेरा वेट बहुत कम था हाइट के अकॉर्डिंग। अभी भी शायद, अभी तो ठीक हो गया होगा यार, है ना। तो और उन्होंने चेक किया तो बोला कि ब्लड है ही नहीं। अब पता नहीं आज भी ऐसी बेइज्जती ना हो जाए, पर अगर नहीं हुई तो मैं दूंगी यार, फर्स्ट टाइम लाइफ में ब्लड डोनेट करूंगी, रक्तदान सबसे बड़ा दान करूंगी आज, वो भी आज के दिन इंडिपेंडेंस डे के दिन करूंगी भाई। अलग की खुशी हो रही है यार खून देने में, पता नहीं क्यों। तो फिर बस अभी अंकि आएगा फिर उसके साथ जाऊंगी, फिर देते हैं ब्लड। तो हम बस निकलने वाले, कैब करिए और अंकि आ गए, कैब भी आने वाली है। हाँ और हम भी जाने वाले हैं और क्या पता हो ब्लड या डोनेट या नहीं। नहीं 1 बजे तक का अभी 12:07 हो रहा है तो ट्रैफिक हुआ फिर। नहीं वहाँ जाने में फिर भी 15-20 मिनट लगते हैं, 15-20 मिनट भी लगेंगे तो हम टाइम पर पहुँच जाएंगे। पर अगर नहीं पहुँचे तो नहीं, आज फिर से मैं नहीं दे पाऊंगी। तो वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके दे सकती है। अरे हाँ किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट तो कहीं भी हो जाता है। देख के आएंगे, ये तो कैंप है, देख के आएंगे फिर देंगे। पहुँच गए हम, धक धक हो रही है, डर लग रहा है, पर चलो ट्राई करूंगी। मुझे बोला ब्लड देने से पहले चेक होएगा कि कितना है, इसका नहीं किया मेरा, कर रहे हैं पहले चेक। अंकि का ब्लड आज फिर से मेरे साथ वही सीन हो गया, सिर्फ मेरा एक माया है मेरा मम्मी उड़ कर आई, ये मैं करूंगा फिर से वही सीन हो गया। सवाल जैसे पता नहीं आ गया, हां मैंने मम्मी के साथ देख लिया मेरा अंकि का नाम ले दिया। रामा जी ये कर ले, होली गिरी जी बोलो बेटी जी अनु भैया भी गए। जैसे मैं बुझे रहे हैं उन्हें किसी एक कागज पकड़ा लिया तो घर वापस आंटी को छोड़ दिया हमने, अब जा रहे हैं। और यार मेरे साथ फिर से वही सीन हो गया, इसे खून थोड़ा ज्यादा है यार, पता नहीं क्या किया, अच्छे से चेक भी नहीं किया। मतलब ये था 12 से ऊपर होना चाहिए, मेरा 11:30 या 11 ऐसा कुछ होगा और नहीं लिया फिर। उन्होंने बोला 12 से कम है, जिसका 12 से कम है, तो मैंने जैसे पिछली बार कहा था तो 11:30 तो आया था, तो फिर शायद नहीं लिया। पर मुझे ऐसा लगता था कि 11 तो एक अच्छा है कि 11 हाँ। में रख लेते, बट उन्होंने फिर भी उन्होंने ऐसा रखा कि भाई मोर देन इनफ रखा कि 12 की रखी। नहीं वो लड़कियों का इसीलिए चेक करते हैं, किसी किसी लड़के का भी 11 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, पर नहीं किया ना चेक, वो इसलिए भी करते हैं कि शायद, है ना। तो कुछ सीन होगा इसलिए, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं, खून बढ़ा के आएंगे अगली बार देंगे। बट मैं देख रहा हूँ खून, ये तो देख रहा है, मेरे हाथ पे नील भी बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि इनको अभी शॉपिंग भी कराई इनको, तो वो मेरे हाथ पे थोड़ा नील बढ़ने लग गया, मैंने रिलैक्स नहीं करा ना, पहले ठीक था और अब नील पड़ने लग गया, वो सूजने लग गया, रेस्ट कर लिया। बट फिर मेरा तो सबको ही पता है अपने को भी फर्क नहीं पड़ता, वही है सब क्या करता, धड़ता दिल का थोड़ा रंगीन भैंस के आके बजाता ना बीन, फिर अपना यही सीन है।
तेरे। तो अब हम निकल रहे हैं थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाने। है? क्या मौसम लाइट फिर से डाउन होगी तो बादल आए हैं थोड़े थोड़े, लाइट तो है तो बनेगी नहीं, बन जाएगी बन जाएगी। हाँ बन तो जाएगी। तेरी नजर किसको देख रही है सब पता मुझे। तो गाइस अंकित अब जा रहा है कहाँ, एयरटेल को जियो में बदलने। अब देखना जियो वालों को अगर 5G फ्री मिल रहा है तो वो खत्म होने वाला है क्योंकि नहीं इसलिए नहीं 5G भी आने वाला है। नहीं मेन कंसर्न ये है कि एयरटेल ना काफी जगह, अब जियो ने क्या करे हर जगह है, एयरटेल काफी जगह है वीक, तो अब मैं कभी इधर उधर चला जाता ना तो वहाँ जियो मिल जाता है पर एयरटेल नहीं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ जियो का। ये भी आजकल 5G फ्री है भाई, सीधी सी बात है, बहुत फायदा है भाई इस चीज का जो है। नहीं तुम्हें फायदा है भाई, मैं तो घर पर ही रहता हूँ, घर पे तो मेरा वही चल रहा होता है, बाहर आता है वीडियो वगैरह तब भी थोड़ा होता है। नहीं बेसिकली इतना तो 4G चल रहा है, इतना तो तेज 4G काम कर जाता है, तो अब 5G बंद होने वाला है जल्दी, है ना। मैं तो फिर भी 4G कराऊंगा क्योंकि 5G की इतने पैसे कॉस्टिंग देगा क्या फायदा, जब मतलब रिचार्ज 4G हो रहे हैं, 5G का रिचार्ज अभी नहीं, जब हो जाएगा पेड, जब पेड हो जाएगा तब की बात करो। अभी की बात कर रही हूं, अभी तो फिर 5G फ्री मिल रहा है तो फ्री यूज करूंगा, और उस जब पेड भी हो जाएगा तब भी 5G का रिचार्ज थोड़ी होता है। रिचार्ज तो नॉर्मल होता है वो हमारे पे, हम किस नेटवर्क पे चला रहे हैं और कितनी जल्दी GB खत्म कर रहे हैं, फिर वो 4G में करें या 5G में करें। वो नहीं मिल रही पार्किंग की सिम नहीं हुई। हाँ वो थोड़े मैं 3 दिन लगेंगे, डॉक्यूमेंट लाना भूल गया था तो फिर ज्यादा पैसे लग रहे थे, तो सोचा कि कल ही कर लेते हैं, तो कल ही करूंगा उसको, ठीक है ना। अभी ज्यादा पैसे देने से बढ़िया कि घर से डॉक्यूमेंट ले आऊंगा, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट रोनी वाली गाड़ी में रह गए, पर्स उसमें रह गए और रोनी आज आ जाएगा तो ठीक है, वैसे भी 3 दिन लगने हैं तो हो जाए तो बेटर है। 3 दिन बाद ये भी जियो वाला बन जाएगा। यस मैं भी जियो गैंग में आ जाऊंगा। तो गाइस आज फिर से मेरा सपना टूट गया, मतलब मुझे था कि मैं एक बार ना एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है ना जो मेरे को लगता है कि मैं एक बार एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, उसमें से एक ये था कि मुझे ब्लड देना था यार, मतलब ओ पॉजिटिव ऊपर से हेल्प तो होगी किसी ना किसी की, सबको हम दे सकते हैं, कोई बात नहीं बढ़ा लूंगी 1-2 महीने, अब घर जा रही हूँ ना 1-2 महीने बढ़ा के आऊंगी खुद, फिर दूंगी मैं और दूंगी। तो खाना पीना हो गया, भाई चला गया था, अंकित भी चला गया, तो बस अभी मैं भी खा पी के बस सोऊंगी, खाना तो हो ही गया वैसे सोऊंगी। और यार ब्लड जिनका सही है वो डोनेट किया करो, बहुत अच्छी बात है ये भी एक कि ब्लड डोनेशन करनी चाहिए, तुम्हारी बॉडी के लिए भी अच्छा है, नया खून बनता रहेगा तो मतलब बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, और जिसका कम है वो बढ़ाओ, वो इस चीज़ से मोटिवेशन लो कि हमें ब्लड देना है बढ़ेंगे। यार मेरा 11:30 था यार, मैंने अभी किया था चेक, पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, वैसे लड़कियों को थोड़ा पता नहीं क्यों करते हैं, अगली बार मैं चेक किए बिना दे के आऊँगी कि लो भाई ब्लड लो मैं दे रही हूँ, ठीक है। मम्मी घबरा गए थे, नहीं देना, जो मैंने मम्मी से पूछा कि नहीं देना ऐसे दूध, एक तो तू घर से दूर है ये सब वो सब, मेरे को लगता है मम्मी ने दुआएं की होंगी इसीलिए मेरे से ब्लड नहीं लिया, ऐसे मैं बच्ची हूँ उनके लिए ठीक है, और ब्याह करा रहे हैं मेरा, अगर मैं इतनी छोटी बच्ची हूँ मैं ब्लड नहीं दे सकती वो नहीं कर सकती, ब्याह भी क्यों करा रहे हो, पर ब्याह करा रहे हैं बड़ी होगी ना मतलब मैं, तो फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, तब घबरा जाना है, पर क्या कर सकते हैं गाइस, माँ तो माँ होती है। तो फिर इस ब्लॉग का ये एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।